बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। अब सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहेंगे। बिहार की महागठबंधन सरकार पर और सीएम नीतीश कुमार के कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो खत्म हो गया है। बिहार की सियासत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लाए एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जेडीयू ने हाल ही में भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में खुद को शामिल कर लिया और राजद सहित अन्य दलों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया। इसे गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। दायर याचिका में क्या कुछ कहा गया था, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है और इस सरकार के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत सरकार को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी। इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव पूर्व गठबंधन को तोड़कर महागठबंधन और दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। साल 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाई, जिसके बाद चंदन कुमार ने याचिका दायर कर नई सरकार को दल बदल कानून के तहत हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जदयू का महागठबंधन के साथ सरकार में आने को गलत बताते उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब उनको देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट में वो याचिका टिक नहीं सका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम एस सुंदरेश की पीठ ने इसके पीछे की मजबूत वजह भी बताया। दो जजों की पीठ के अनुसार जदयू का चुनाव परिणाम आने के बाद नए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेना संविधान के अनुरूप ही है। याचिका खारिज करने वाले जजों के अनुसार कुछ शर्तों के साथ चुनाव के बाद भी गठबंधन की अनुमति दी जाती है। संविधान की दल बदल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची में इसकी इजाज़त दी गई है, इसीलिए जदयू का नई सरकार बना लेना गलत नहीं है। बता दें कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी को याचिका से कोई खतरा नहीं। तो देखिए अब देखिए बिहार की जो सरकार है वो बिल्कुल सुरक्षित है। उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी वो अब बिल्कुल निराधार हो गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब लगातार जो बातें सामने आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जब से ये याचिका दाखिल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद बिहार सरकार की हो या महागठबंधन सरकार की हो मुश्किलें बढ़ गई थी। अब खारिज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका, तो अब देखिए सुरक्षित है बिहार सरकार और सुरक्षित है सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।